हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्वाद कढ़ाई का में। आज हम बनाएंगे चीज़ रोल। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन में थोड़ा सा तेल लिया है और उसके अंदर हम दो प्याज काट के उनको भूनेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप मेरी रेसिपी को देखिए ध्यान से और आप देखिए कि मैं कितने सिंपल तरीके से आप लोगों को बनाना सिखाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि इंग्रेडिएंट्स का कम से कम इस्तेमाल हो सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई इंग्रेडिएंट्स ऐसा लगता है कि आप लोग नहीं ले पाते या हमारे घर में नहीं होता है तो हम लोग वो चीज़ बनाना छोड़ देते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आप सब कुछ ट्राई करें, और अगर आप सब कुछ ट्राई करेंगे इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन का बटन दबाना पड़ेगा उसके लिए, ताकि मेरी जो भी रेसिपी आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप मेरे साथ जुड़े रहें हमेशा के लिए। ये देखिए, हमारी प्याज भून चुकी है। अब इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्च डालकर इसे भूनेंगे। प्याज को डार्क नहीं करना है, बस लाइट पिंक करना है आपने। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, बहुत थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये हम चीज़ रोल बना रहे हैं तो इसमें हम मसाला ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। थोड़ा सा धनिया पाउडर और हींग। हींग मैं टेस्ट के लिए नहीं डालती हूँ, मेरी आदत है, मैं ज़रूर डालती हूँ। थोड़ा सा ऑरेगैनो लेंगे, वो भी इसमें मिक्स कर देंगे। अब ये हमारा तैयार हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और इसमें हम चीज़ डालेंगे, कद्दूकस किया हुआ, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। प्याज और चीज़ की क्वांटिटी बराबर रखें। आप चाहें तो, अगर चीज़ के फेवरेट हैं, आपकी फेवरेट है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। ये हमारा समोसे का डो है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। समोसे का डो मैंने बनाना आपको सिखाया हुआ है। नॉर्मली में समोसे का डो बनता है कि आप किसी भी चीज़ के दो भाग लें। जैसे आप दो कटोरी आटा लेते हैं तो उसमें आधा कटोरी मोयन डालेंगे यानी घी, फिर उसको आटे को गूंदेंगे। आप उसका वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए, हमने एक रोटी बेल कर उसको एकदम चकोर बना लिया था। आपने मेरा कटिंग का तरीका देखा होगा। इस डो को, जो रोटी को है वो पतला रखें आप, रोटी मोटी नहीं होनी चाहिए, रोटी एकदम पतली होनी चाहिए। अब थोड़ा सा हम पानी लगाएंगे ताकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसके अंदर की तरफ ऑयल नहीं जाना चाहिए। आप तला हुआ खाएं लेकिन ऑयल वाला ना खाएं। तो सिर्फ ऑयल इतना ही यूज़ होना चाहिए जितना हमें तलने के लिए ज़रूरी है, ना कि उसके अंदर की फीलिंग को भरने के लिए। ये देखिए, इसको ऐसे तिलक सा बना देंगे, ये कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरीके से हम और भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है हमारा, अब हम इन्हें तलेंगे। तेल गरम करें और गरम कर गैस मंदी कर दें। तेज आँच पर ये करारी होने वाली चीज़ें कभी नहीं बनती हैं, तो हमेशा आप तेल गरम करें। जब आपको लगे तेल गरम हो गया है तो गैस मंदा कर दें बिल्कुल, और फिर इसको तलें और मंदी आंच पर इसको आराम से सिकने दें। कोशिश करें कढ़ाई में किसी चीज़ में आप तेल हमेशा कम लें और तेल का दोबारा इस्तेमाल कभी ना करें। अगर आपने तेल का दोबारा इस्तेमाल करना है तो एक बार फ्राई वाली की चीज़ें बना लें और उसके बाद उसमें सब्जी छोंक दें या कुछ कर दें, लेकिन उसमें दोबारा फ्राई कभी भी ना करें। ये देखिए, ये तैयार हो चुके हैं। इसको फैमिली के साथ खाएं और इंजॉय करें लॉकडाउन को।